ही वबरकातु। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आए हैं। इंग्रेडिएंट्स देख के आप समझ गए होंगे, समर स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ मैं। समर के चीज़ें हैं ये। आज 3 टाइप्स को मॉकटेल्स बनाएंगे अपन। सबसे पहले मैं ले ली 3 ग्लासेस रेसबेरी जूस, लेमन जूस, ब्लूबेरी जूस, आइस क्यूब्स, पुदीना फ्रेश और लेमन कट करके रख ली मैं, अदरक कूट के रख ली मैं और स्प्राइट है मेरे पास। चलिए सबसे पहले आइस क्यूब्स डाल लेंगे अपन। ये लेमन जूस है ये। लेमन ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन 3 टीस्पून लेमन ऐड करेंगे इसमें। ये तकरीबन मैं 3 नींबू का रस निकाल के रख ली थी, 3 नींबू का पुदीना ऐड कर देंगे इसमें। 1/2 टीस्पून अदरक ऐड करेंगे, अदरक से टेस्ट बहुत अच्छा आता। अदरक कूट के रख ली, नहीं तो मैं अदरक इसमें ही डाल के कूटती थी मैं अदरक। चलिए स्प्राइट डाल लेंगे अपन। पहले अपन शुगर सिरप डाल देंगे, उसके बाद स्प्राइट डालेंगे। तकरीबन 1/2 कप शुगर सिरप है मेरे पास, स्प्राइट डाल देंगे। ज़बरदस्त लेमन जूस बन के रेडी हो गया अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपन। सभी चीज़ों को वाओ माशाल्लाह से रेडी हो गया अपना लेमन जूस। चलिए नेक्स्ट मैं ब्लूबेरी मॉकटेल्स बनाएंगे अपन। चलिए इसके अंदर अपन ब्लूबेरी जूस डाल देंगे। इसमें पहले से शुगर सिरप रहती है ब्लूबेरी में, इस वास्ते मैं शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। इसमें अपन पुदीना ऐड कर देंगे, पुदीना कुटा हुआ है ये पुदीना, लेमन है ये। चलिए अब इसमें अपन थोड़ा सा का शुगर सिरप ऐड कर देंगे इसमें। चलिए स्प्राइट ऐड करेंगे। बहुत आसान है, अपन बड़े बड़े शॉप्स में पिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये पिए अपन। आज घर पे ही बना के आप बच्चों को भी दीजिए। एक रंग बिरंगे चीज़ें बहुत पसंद आते हैं बच्चों को, ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करिए आप ये रेसिपी को। बहुत अच्छा बन के रेडी होता है, कोई गेस्ट आए तो भी आप बना सकते हैं। ये बहुत इजी है। थोड़ा सा का अपन इसमें अदरक भी डाल देंगे, अदरक से भी टेस्ट अच्छा आता है इसका। चलिए अब नेक्स्ट अपन रेसबेरी बनाएंगे अपन। सबसे पहले इसमें पुदीना ऐड कर देंगे, रेसबेरी में लेमन ऐड कर देंगे और थोड़ा सा का लेमन जूस भी ऐड करेंगे इसमें। आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे, जितने अच्छे अपन आइस क्यूब्स डालेंगे उतना अच्छा ठंडा ठंडा ज़बरदस्त बन के रेडी होता है ये। रेसबेरी सिरप डालेंगे, इसमें भी शुगर ऐड रहती है इसमें। अगर आपका ने शुगर ऐड नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं शुगर। चलिए इसमें स्प्राइट डालेंगे। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के रेडी हुए अपने 3 टाइप्स मॉकटेल्स। चलिए इसको भी हिला लेंगे अपन, नीचे पर करेंगे। चलिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से बन गया। अब इसमें अपन लेमन ऐड करेंगे। जाहिर है समर स्पेशल है तो लेमन तो बनता ही है, लेमन ज़रूरी है डेकोरेशन के लिए। चलिए मेरे रेसिपी बन के रेडी है, ज़रूर ट्राई करिए आप ये रेसिपी समर में। बच्चों को बेहद पसंद आएंगे, गेस्ट को भी पसंद आएंगे। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। चलिए जब तक कि अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। कमेंट करके ज़रूर बोलिए कैसी बनी मेरी रेसिपी, आपके कमेंट्स की मैं बेताब पे इंतज़ार में रहती हूँ। मैं ज़रूर कमेंट करिए, आप कमेंट करके ज़रूर राय दिए मेरे को।
नेक्स्ट रेसिपी के भी लिए बोल सकते हैं आप। चलिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।